माशाल्लाह जनाब, आज इंशाल्लाह ताला आपको, पहले भी मैंने घोड़ियाँ दिखाई है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ये कलर जो होते हैं वो कुदरत की तरफ से होते हैं, किसी बंदे की देन नहीं होती। और ये जितने भी जानवर माशाल्लाह बनाए हैं, अल्लाह पाक की कारागरी है। और मेरा ख्याल तो यह है कि जानवर कोई भी हो, उस पर आप नक्श बिल्कुल ना निकालें, क्योंकि अगर आप नक्श निकालते हैं या ऐसे है, कोई दाग वगैरह ना हो, जख्म वगैरह ना हो, वैसे बिल्कुल जिस्म साफ हो, आप नक्श ना निकालें, उसकी खूबसूरती को माशाल्लाह ज़रूर कहें, ताकि कारीगर की जो खूबसूरती है ये अल्लाह पाक की खूबसूरती है, किसी बंदे की नहीं। तो चलते हैं जनाब वीडियो की तरफ। वीडियो में आपको मैं दिखाता हूँ, इसका बिल्कुल सावा रंग है और माशाल्लाह इसकी जो रेल है, घोड़ी की जो लंबाई है, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की लंबाई है वो काफ़ी लंबाई ज़्यादा है। और माशाल्लाह आप देखें, इसका पुट्ठा जो है ना, पुट्ठे शोरे पुट्ठे वाली ये घोड़ी है, सावा इसका रंग है, पाँव वगैरह बिल्कुल साफ है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कहीं पे उसके गिट्टी बनी हुई है, कहीं पे उसके जख्म है या उसके को दागा हुआ है, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। ये बिल्कुल खालस वीडियो आपको बना के आपके लिए सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, ताकि हर चीज़ आपके सामने आ जाए। और इसकी उम्र जो है वो उम्र भी बहुत कम है, ये नहीं है बूढ़ी घोड़ी नहीं है, क्या वो निकला हो, शेव निकल गई हो या ऐसा कोई ऐसी इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं है। आंखें बिल्कुल सही हैं, और आपने देखा होगा ये आपके लिए भी है, अगर आप जानवर कहीं भी से लेते हैं, आप मुकम्मल तौर पे घोड़ी का आप हर चीज़ चेक करें, पाँव चेक करें, आंखें चेक करें, कान चेक करें, और उसको चला कर देखें। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जानवर बंदा ले आता है, एक आँख वो ब्लाइंड होती है, क्योंकि लोग हर चीज़ देख लेते हैं। मेरा भी मशवरा ये है कि आप कहीं भी जाएँ, उसका हर चीज़ जो है ना वो आप देखें। अब यही घोड़ी ले लें आप, घोड़ी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये आप पीछे से देखें, अगर इसके पाँव वगैरह नीचे से देखेंगे तो माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ें हैं, हर चीज़ अल्लाह पाक ने इसको शानदार चीज़ों से नवाजा है, रंग भी खूबसूरत है। और कई दफ़ा से ऐसा होता है कि हमारे जो दोस्त हैं वो सावा रंग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसकी ये देखें पीछे जो है ना, इसकी पूछल वगैरह मुकम्मल तौर पर, और अगर आप इसके पीछे आएंगे, ये इसका चकाठा जो है ना, वो चकाठा घोड़ी का आप देखेंगे तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। इसकी जो बेल है ये मैं आपको करीब से जाके दिखाता हूँ, ये आप देखेंगे ना माशाल्लाह, इसकी लंबाई जो जिस्म की है ना, वो लंबाई माशाल्लाह बहुत खूबसूरत चीज़ है। और ये देख लें, और दूसरी बात ये है, ये हर घोड़ी पर, ये हिकमतुल्लाह के बाद जितनी भी घोड़ियाँ हैं, ये मेरा ख्याल है माशाल्लाह आप खुद भी समझदार हैं, और ये कोई नए वो बंदे नहीं हैं कि पहली दफ़ा घोड़ियाँ ले रहे हैं, माशाल्लाह शानदार। और इसके अलावा वो ताजिकिस्तान और दूसरे जो बाहर के मुल्क हैं वहाँ से भी घोड़े लेके आते हैं, और जगह आपको ये घोड़ी पसंद नहीं आती, आप कहते हैं जी हमको घोड़ी बहुत आला किस्म की चाहिए, तो आला किस्म के भी आपको घोड़े यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको ज़रूरत नहीं यूट्यूब पर सर्च करें, फेसबुक सर्च करें, कोई भी आप सर्च करें, लेकिन एक दफ़ा हिकमत भाई के पास आएँ, जानवर देखें, आपको पसंद आ जाएगा। इस तरह के घोड़े इनके पास खड़े हुए हैं, तो ताजिकिस्तान से घोड़े लाए हैं और बैरून मुल्क से घोड़े लाए हैं, किस लिए लाए हैं, आपके लिए। और मैं वीडियो किसके लिए बना रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए, फिर तो हम दोनों ही आपकी खिदमत में इंशाल्लाह हाजिर खिदमत है। तो एक दफ़ा हमारा विजिट, हमारे फार्म का विजिट ज़रूर बनता है, ये भी थोड़ी फॉर सेल है और आपके लिए है, और नंबर जो है हिकमत भाई का इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैंने दर्ज कर दिया है। घोड़ी आपके सामने है माशाल्लाह, किसी काम पर भी, किसी काम के लिए भी आप घोड़ी ये अगर सेलेक्ट करते हैं तो इंशाल्लाह कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को राइडिंग सिखाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप राइडिंग सिखाएं, मगर उसके लिए ये है कि अगर आप अपने बच्चों को राइडिंग सिखाना चाहते हो तो आपकी सबसे अव्वलीन तरजीह होगी एक साफ़ घोड़ी, एक ईमानदार और धीमे लहजे वाली घोड़ी आपको चाहिए होगी। तो माशाल्लाह धीमे लहजे वाली घोड़ी बहुत मुनासिब प्राइस में आपको अवेलेबल है, कहाँ पे, हिकमतुल्लाह भाई के फार्म पे आप आएँ और विज़िट करें। माशाल्लाह आपने इतने ज़्यादा विज़िट करने की ज़रूरत नहीं, एक दफ़ा आएँ और घोड़ियाँ यहाँ पर चेक करें, अगर आपको पसंद आ जाती है तो आप सौदा करें, अगर आपको पसंद नहीं आ जाती तो इंशाल्लाह आपको चाय भी पिलाएँगे, आपको यहाँ पर पानी भी मिलेगा और हर तरीके की खिदमत आपके साथ इंशाल्लाह हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत के लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी बात, घोड़ी आप दिखा दिया है, भगा कर भी दिखा दिया है, तो नंबर भी आपको बता दिया है, और इसका हाइट भी जो है ना वो 60 इंच की इसकी हाइट है, क्योंकि ये तमाम जानवर जितने भी लिए गए हैं वो इस लिहाज को मद्देनज़र रखते लिए गए हैं कि शौक़ के लिए हो, ताकि हाइट हो, क्योंकि हाइट के बगैर तो कोई शौक़ पूरा नहीं होता। सबसे पहले अवलीन तरजीह होती है, जो भी मेरे भाई ये कहते हैं कि जनाब घोड़े की हाइट बताएं, तो हम हाइट
को मद्देनज़र रखते हुए, आपके शौक को मद्देनज़र रखते हुए जानवर की खरीदो फरोख्त करते हैं। और ये भी तमाम जो जानवर है ये शौक वाले जानवर है, रेड़े वाले टांगे वाले जानवर बिल्कुल नहीं है। अगर आप बच्चे के लिए लेना चाहते हैं और ख़रीदना चाहते हैं तो एक दफ़ा हमारे कहने पे आप लाहौर का विज़िट करें और हिकमतुल्लाह भाई के पास आप जानवर का एक विज़िट करें ताकि आपको अच्छे घोड़े यहाँ पर मिल सके। तो इंशाल्लाह इजाज़त चाहते हैं जी, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। फी मानुल्लाह जी। रोलिंग है जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। लो जनाब माशाल्लाह तुहानू पहले साबी घोड़ी मैं तुहानू दिखाई सी, इसे वीडियो के दूसरी फिर साबी घोड़ी तुहानू दिखा रहे हैं। और ये घोड़ी जी तुहानू दिखा रहे हैं ये साबी घोड़ी के नालों इन उनके नालों इनकी हाइट कुछ ज़्यादा हैगी, बल्कि ज़्यादा की उन्हें नालों काफ़ी ज़्यादा हैगी। और तुसीं देखोगे मैं अगर इस घोड़ी को तुहाडे सामने खड़ा कर देवां, अगर ना भी बोला तो तुहानू सारी घोड़ी का पता लग जाएगा भी यह घोड़ी असल है कि तुसी देखो जरा इस तरह मैं सामने घोड़ी तो खड़वा दी है। वो सावी तुसी देखी होगी, सावी बस ठीक है दे नालो वो भी बड़ी प्यारी। मैं नहीं कह रहा कि वो घोड़ी जी मैं दिखाई है उनके नालों जी अच्छी है, इन्हें मतलब जो हो फिर वो अच्छी ना खामी तो मैं दस दी, तो खामी कोई भी कौन है, वो अपनी जगह के उत्ते ठीक है, यह घोड़ी अपनी जगह के उत्ते ठीक है। इनका कद जरा उनके नालों ज़्यादा है और माशाला खूबसूरत चीज़ हैगी है। और ये भी फॉर सेल है, और फॉर सेल कितने है जे ए भी जानवर जिन्हें भी हूँ तक टोटली दिखाए ने वो सारे जानवर तुहानू हिकमतुल्लाह भाई जेड़ा के इत्थे फरखाबाद जनाब उनका फॉर्म है और अलहदा फॉर्म उन्होंने बनाया और उनके विच दुनिया तो दूसरे मुबालक दे विचों भी वो घोड़े लैके आते हैं, पाकिस्तानी देसी बलैती जिस तरह का भी फारो परेड हर तरीके दे नाल जना जानवर जेड़ा ना वो तुहानू मिल जाएंगे। और इनका भी घोड़ी का तुसीं देखोगे ना बिल्कुल रवाल चा लेंदी है, इस सब नालों वड्डी खूबी है। जिन्हें पहले जानवर तुहानू असीं दिखाए ने उनके विच ये खूबी नहीं सी, उनके विच इन दे विच खास तौर उत्ते ये खूबी है कि रवाल ये चाल हैगी है। और माशाल्लाह हाइट इनकी घोड़ी की बहुत खूबसूरत है। और अगर तुसीं वाकया ही तेज तरीन और जानदार जिहड़ा जानवर लैना चाहते हैं, जिन्हें भी जानवर तुहानू असीं वीडियो दे विच दिखाए ने ये सारे माशाल्लाह तेज तरीन और जानदार और कंट वाले ये जानवर तुहानू पेश किए ने तुहाडी खिदमत दे विच। ते जनाब ये भी इन्हें भी हाइट माशाल्लाह बहुत है, उम्र जिहड़ी हैगी इस टाइम घोड़ी की वो जनाब 4 साल साढ़े 4 साल तकरीबन राउंड अबाउट इन्नी हाइट भी जी माशाल्लाह उस घोड़ी के नालों इनकी हाइट ज़्यादा है। और बॉडी स्ट्रक्चर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बॉडी स्ट्रक्चर जे, और पिछों तुसीं देखोगे देस बिल्कुल सभी हुई घोड़ी है, जिमें कहते ना देसी सभी हुई घोड़ी माशाल्लाह बिल्कुल सभी हुई घोड़ी, कमज़ोर कमज़ोर जानवर इधर नहीं है। क्योंकि हिकमत भाई मैंने एक दफ़ा हिकमत भाई से पूछा, हिकमत भाई आप दूसरे भी जानवर लेके आ करो, तो वो कहते नहीं जी वो शौक वाला जानवर नहीं होता, इनके पास रेड़े वाला जानवर नहीं है। रेड़े वाले जानवर होते हैं, ये नहीं कहता नहीं होते, मगर इनके पास रेड़े वाला जानवर नहीं होता, टांगे वाला जानवर नहीं होता। इनके पास सिर्फ वो जानवर है जो शौक के लिए लोग अपने बच्चों के लिए लेते हैं, राइडिंग सिखाने के लिए लेते हैं ताकि उनको राइडिंग आए। तो आप भी अगर अपने बच्चों के लिए जानवर लेना चाहते हैं तो ख़रीदना चाहते हैं तो एक दफ़ा हमारे कहने पे आप लाहौर का विज़िट करें और यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे जानवर दस्तयाब होंगे और आप उनके साथ जो है ना वो सौदा कर सकते हैं। ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो काविश हमारी अच्छी लगी हो तो आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इंशाल्लाह हिकमत भाई का जो नंबर है हम डिस्क्रिप्शन में नीचे दर्ज कर देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं उनका नंबर लें, उनके साथ कॉल करें, अगर आपका सौदा हो जाता हो तो बिस्मिल्लाह हम भी आपके सौदे पर खुश हैं। आपको एक अच्छा जानवर मिल जाए इससे ज़्यादा हमारी खुशी की और कोई बात नहीं है। हम अपनी वीडियो का कोई आपसे मुआवजा नहीं मांग रहे, हम उनके पास को घोड़ी का वीडियो बनाने का कोई मुआवजा ले नहीं रहे, सिर्फ हम आपकी खिदमत कर रहे हैं और आपकी खिदमत ही हमारे लिए अवलीन तरजीह है। तो नाज़रीन ये भी घोड़ी माशाल्लाह फॉर सेल है, फॉर सेल है। अगर आप बड़ी बड़ी मंडियों में जाते हैं, कितना किराया लगा के जाते हैं, बसों पे जाते हैं, तो एक दफ़ा अगर आप लाहौर के करीब हैं तो एक दफ़ा आप ज़रूर इनका विज़िट करें, अच्छे जानवर आपको दिखाए हैं। इनसे अगर आपको आप कहते हैं कि बाबा ये तो अच्छे नहीं हैं तो जनाब ज़बरदस्ती हिकमत भाई आपके साथ ये जानवर नहीं लगाएंगे, ज़बरदस्ती वाली बात कोई भी नहीं है। तो जनाब डिस्क्रिप्शन पे उनका नंबर आ गया है, हर चीज़ आपके सामने पेश कर दिया है। अगर हमारी कोशिश हमारी कावश आपको अच्छी लगी हो तो जनाब हमारे बाबे के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, हम भी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और हिकमत भाई और आप खिदमत में हाज़िर हैं। इजाज़त चाहते हैं इंशाल्लाह ताला नई वीडियो में नए जानवर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हो जाऊँगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़। फी मानूँ।